हमारा मन नहीं लगा। मेरा नाम देवराज नाग है और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा उड़ीसा प्रदेश कमेटी का महासचिव हूँ। और आज यहाँ पवन भैया और भवन भैया ने कल फोन किया था, उनके आमंत्रण पे हम लोग यहाँ आए हैं उड़ीसा से। और टुसू पर्व, मकर संक्रांति, पोंगल, इस सब के उपलक्ष पे पूरे झारखंड वासी, पूरे देशवासियों को, पूरे उड़ीसा वासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और हमारा टुसू पर्व जो है गांव में, देहात में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये हमारे विशेषकर आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार हमारा यही है। और इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के सब भी लेते हैं, भाग लेते हैं सब। देखिए, आज 14 जनवरी है और देश भर के सभी समाज के लोगों का आज किसी न किसी रूप में आज पर्व है, चाहे पोंगल हो, लोहड़ी हो, मकर संक्रांति हो, टुसू हो, सभी धर्म का आज कुछ न कुछ पर्व है। और आज हमने इसी के तहत एक छोटा सा प्रयास किए कि सब धर्म के लोगों को बुला के आज यहाँ दही चूड़ा खिलाए और आपस में देश और समाज में कैसे भाईचारा बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास, एक छोटा सा प्रयास किया। आपको मालूम है कि हम लोग इस तरह भी बीच बीच में इफ्तार पार्टी, होली मिलन, ये सब करते रहते हैं। और आज देश का जो सांप्रदायिकतावाद सर उठाया हुआ, हर छोटे छोटे बात को लेके जात पात में बांटा हुआ है, उसको हम लोग चाहते हैं कि छोटा सा प्रयास से धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाए, यही भी हम लोग का प्रयास ही है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई अपनी जगह है, मगर देश में भाईचारा जरूरत है, जरूरी है। अगर इंसान है तभी मंदिर और मस्जिद का अस्तित्व है, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर मस्जिद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी सब को देख के हम लोग हमेशा साल में दो ठो चार ठो प्रोग्राम करते हैं गंगा जमुना तहजीब के तहत, और देश में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। पूरे देशवासियों को झारखंड का वा टुसू महापर्व, सोराय, मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी या देश की एकता का पर्व है, जिसमें सभी जाति के धर्म के लोग धूमधाम से यह पर्व मनाते हैं। और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिखाया है, समझाया है कि देश में हम सभी पर्व का सम्मान करते हैं, चाहे वह गुरु पर्व हो, चाहे छठ हो, चाहे आपका पोंगल हो, और चाहे वह ईद मिलन हो। भवन का कार्यालय यही एकता का सबूत देता है। जब जब पर्व त्यौहार आता है तो यहाँ पर सभी जाति के धर्म के लोग सभी से खुशी के मनाते हैं। और आज दही चूड़ा का प्रबंध किया गया है, उस अपने परिचित को और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं उनके लिए भी, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं है उनके लिए भी। तो यह सौभाग्य आप लोग हर बार करते हैं, तो इस बार का मकर संक्रांति में, टुसू में, सोराय में और दही चूड़ा में क्या 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 इंतजाम किया गया था भवन कुमार जी के पूरे टीम के तरफ से? सर्वप्रथम नौ वर्ष के साथ साथ आप लोगों को 2024 का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इसके साथ आज जो टुसू पर्व है, टुसू पर्व के साथ मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के साथ पोंगल भी है, सोराय भी है, उसके बाद अलग अलग लोहड़ी है, अलग अलग समाज के लोग आज इस पर्व को मनाते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, संस्कृति सबका एक जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ सबका जुड़ा हुआ, और प्रकृति से जुड़ा हुआ ही हमारे देश में सभी तरह का पर्व मनाया जाता है। हम लोगों ने भारतवर्ष के अलग अलग राज्य में पोंगल है, तो हमारा जमशेदपुर जो लो नगरी है, यहाँ पूरे देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब एक तरह का छोटा भारत समझिए जमशेदपुर में बसा हुआ है। हर राज, हर जिला के लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोगों ने हर समाज के लोगों को बुलाया कि आइए हम लोग मिलकर देश की एकता के लिए एक मिसाल छोटा सा कायम करें। तो हमारे समाज में जो बनता है व्यंजन, उन तमाम व्यंजनों के साथ हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं,
खिला रहे हैं। धन्यवाद। देश में जो व्यंजन बनता है, भले आप उस राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन इस देश के जो जो व्यंजन बनता है, चाहे वह साउथ इंडियन का पोंगल हो, चाहे सिख का वह लोहरी हो, और चाहे बिहारी का दही चूड़ा हो, और सबसे बड़ा चीज़ की महा टुसु पर्व झारखंड का जो सबसे बड़ा पर्व है पिठा, वह भी आपको मिलेगा। लेकिन आज जो बबन राय जी के कार्यालय में आए हैं, युवा मोर्चा है झारखंड के मुक्ति मोर्चा, क्या क्या चीज़ उनको आपको आज स्वादिष्ट चीज़ अच्छा लगा? देखिए, आज जो हमारा मकर संक्रांति टुसु पर्व, जो हमारा झारखंड की जो संस्कृति है, और ये तमाम समाज के लोग इस कार्यक्रम को हम लोग मनाते हैं, हम लोग के जो संस्कृति को बचा कर रखते हैं। और आज हमारे युवा मोर्चा जिला के जो अध्यक्ष हैं बबन राय जी, उनके नेतृत्व में आज हमारे यहाँ पर दही चूड़ा सब्जी तिलकुट ये सब चीज़ों का हम लोग आपस में एक सबको बुलाकर, जितने लोग यहाँ पर, सब समाज के लोग यहाँ आए और सब अपने अपने तरह से वो व्यंजन को खाए, और हम लोग मिलजुल के पर्व को मनाने का काम भी किए। हम लोग का जो झारखंड की संस्कृति है, गुड़ पीठा, जो हमारा कल संक्रांति है, जो हमारा इष्ट देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के उस पर्व को हम लोग मनाते हैं। नाच गाना होता है, हम लोग का यहाँ की जो संस्कृति है उसको भी दर्शाया जाता है, और हर जगह जगह में, गाँव गाँव में भी इस कार्यक्रम को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग का महीना भर कम से कम चलता है, और ये जो हमारा, जो आप जैसे बताएं कि हर समाज का अलग अलग नाम से अलग अलग तरह से पर्व को मनाते हैं, लेकिन है चीज़ एक ही, प्रकृति का एक ही पर्व है, और इस पर्व को अलग अलग समाज अलग अलग नाम से दर्शा के अलग अलग टाइप का जो व्यंजन है वो सब अपने आप में, मित्रों में, परिवार में, कुटुंब में, बंधु में, सबको इन्वाइट करके बुला के ये अपना पर्व को मनाते हैं। सभी परिवार के साथ, सभी सभ्यता के साथ, सभी संस्कृति के साथ, और सभी राज्य में जो जो पर्व है उनको मिलाने का काम, भारत को, सभी राज्य का एकता को बताने का काम यह जिला कार्यालय बबन सिंह हर समय करते हैं। हमें लगता है कि यह एकता का प्रतीक है, और भारत के हर समाज के लोग इस प्रकार एकता का पर्व त्यौहार धूमधाम से मनाए, हमें लगता है कि मिनी इंडिया जमशेदपुर नहीं है, या इंडिया को दिखाने वाला भी मिनी इंडिया है। एडी लाइव को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को, पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।